खबर से करते हैं। थोड़ी देर में किसानों का महामोर्चा मुंबई पहुंच जाएगा। अभी किसानों का मोर्चा मुलुंड टोल नाके तक पहुंचा है। किसानों का यह मोर्चा नासिक से शुरू हुआ था और कल विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम है। किसान कर्ज माफी समेत कई मांगों के साथ मोर्चा निकाल रहे हैं तक पहुंचा है। किसानों का यह मोर्चा नासिक से शुरू हुआ था और कल विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम है। किसान कर्ज माफी समेत कई मांगों के साथ मोर्चा निकाल रहे हैं। शिवसेना और एमएनएस ने इस मोर्चे को और इनकी मांगों को समर्थन दिया है। पूर्ण कर्ज माफी को लेकर ये मोर्चा निकाला गया है और बस थोड़ी देर में ये विशाल मोर्चा मुंबई पहुंच जाएगा। अभी की जानकारी के मुताबिक मुलुंड टोल तक ये पूरा मोर्चा पहुंचा है। नासिक से किसानों के मोर्चे की शुरुआत हुई और कल विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है। महाराष्ट्र के नासिक से चला 30,000 से ज्यादा किसानों का कारवां इस वक्त मुलुंड के टोल नाके पर पहुंच गया है, जहां रात भर किसान इसी टोल नाके के पास रहे। इसी ओपन जगह पर इन्हें एकोमोडेट किया गया, जगह दी गई रहने के लिए। फिलहाल किसान यहां पर तैयार हो रहे हैं, पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस जगह से जब फार्मर्स आगे बढ़ेंगे तो कुछ ही किलोमीटर पर जो टोल नाका है वहां से वो सीधे मुंबई की तरफ एंटर कर जाएंगे। और हम अब तक जो जानकारी अपने सूत्रों के द्वारा हासिल कर पा रहे हैं कि आज लगभग जो ये पूरा किसान की संगठन है, ये कहीं ना कहीं सायन के सोमैया ग्राउंड में जाकर रुक सकती है, जहां पर पहले ही इस तरह अरेंजमेंट्स कर दिए गए हैं। और साथ ही जानकारी यह भी है कि पुलिस और राज्य सरकार फिलहाल इस तरह की स्थिति में नहीं है कि इन्हें महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के पास जाकर किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करने की इजाजत। तस्वीरें आप देख रहे हैं मुलुंड टोल नाका से, जहां पर किसान अपनी तैयारी कर रहे हैं अपनी इस पूरी जर्नी को, पूरे सफर को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि लगभग 180 किलोमीटर का यह सफर था। महाराष्ट्र के नासिक से 6 मार्च को शुरू हुआ और अब लगभग मुंबई पहुंच चुका है। अगले कुछ घंटों में मुंबई में एंट्री हो जाएगी किसान के इस मोर्चे की। उसके बाद ये पूरा मोर्चा जो है, लगभग 30,000 से ज्यादा की संख्या में किसान हैं, और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही ये पूरा कारवां जो किसानों का है वो मुंबई पहुंचेगा, उसके बाद और भी किसान की जो एसोसिएशन है वो इनके साथ जुड़ सकती है, सपोर्ट में आ सकती है। और जब आजाद मैदान में इनकी ये कारवां पहुंचेगा तो जाहिर तौर पर और भी लोग जुड़ सकते हैं। फिलहाल किसानों ने ये साफ कर दिया है कि जब तक महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से ये साफ नहीं करती कि पूरी तरह से कर्ज माफी उन्हें दी जाएगी, फिलहाल इंतजार करना होगा कि महाराष्ट्र सरकार इस पूरे किसान मोर्चे को किस तरह से देखती है, कैसे रिएक्ट करती है। क्योंकि जो जानकारी हम इकट्ठा कर पा रहे हैं उसके मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले पर बिल्कुल पैनी नजर बनाए हुए, और लगातार जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, वो लगातार ब्रीफिंग दे रहे हैं। पुलिस की तरफ से ब्रीफिंग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जारी है कि फिलहाल हालात क्या है। तो कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा कि जो महाराष्ट्र के किसानों का ये गुस्सा है बहुत जल्द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पहुंच सकता है, वहां पर कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन ना हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस भी मुंबई में आज और कल रहेंगी। कैमरा पर्सन राजू के साथ फैजान खान, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो ये अहम बात है इस मोर्चे से जुड़ी हुई कि शिवसेना और एमएनएस दोनों ही किसानों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं, इस महामोर्चे का समर्थन कर रहे हैं। और 12 मार्च के दिन विधानसभा के घेराव की तैयारी है। जाहिर तौर पर फडणवीस के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। कर्ज माफी की मांग और पूर्ण कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं किसान, जिन्होंने ये महा आंदोलन शुरू किया है। ये महामोर्चा जो है ये नासिक से शुरू हुआ है। आपको अगर एक बार बता दें कि क्या क्या मांगे हैं, तो किसानों का बिजली बिल माफ किया जाए, ये एक मांग है किसानों की। पूर्ण कर्ज माफी के अलावा जो मांगे हैं वो भी मैं आपको बता रही हूं। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए, जो भी सिफारिशें इस आयोग ने की थी वो तुरंत तत्काल लागू की जाए। बीजेपी सरकार किसानों से किए गए वादों को पूरा करे, जो भी इलेक्शन से पहले वादे किए गए थे जिसमें कर्ज माफी भी एक थी वो भी पूरी की जाए। कृषि योग्य भूमि का जबरन अधिग्रहण बंद हो, जो भी सरकार इस तरह से अधिग्रहण करती है वो तुरंत बंद कर दिया जाए। तो ये सारी मांगों को लेकर ये महाआंदोलन शुरू किया गया है और अब ये जो महामोर्चा नासिक से शुरू हुआ है कुछ ही देर में मुंबई पहुंच जाएगा और कल विधानसभा के घेराव की तैयारी है।